Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. आज हम बात करने वाले हैं रूल 36 सब रूल 4 में आए चेंजेस के बारे में जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है. तो पहले हम जानते हैं रूल 36 4 क्या बोलता था. तो उससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए मेरा एलिजिबल आईटीसी 15 लाख है लेकिन मेरे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है 10 लाख. तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से मैं 10 लाख क्लेम कर सकती थी प्लस 10 लाख जो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है अगर वो एलिजिबल आईटीसी है तो उसका 10% और क्लेम कर सकती थी, दैट इज 1 लाख रुपए और क्लेम कर सकती थी. ओके, तो अब इन्होंने क्या किया, जो 10% का लिमिट था उसको अब 5% कर दिया गया. सपोज कीजिए मेरे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है 10 लाख और मेरा अगर मेरा जो आईटीसी है वो है 15 लाख तो मैं कितना क्लेम कर सकती हूँ, 10 लाख तो मैं करूंगी क्योंकि मेरे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर वो एलिजिबल आईटीसी होगा तो मैं करूंगी प्लस मैं 5% और क्लेम कर सकती हूँ. 10 लाख का 5% कितना होता है, दैट इज 50,000 और क्लेम कर सकती हूँ. तो अब ये ना धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. पहले तो उन्होंने लाया था 20%, उसके बाद 10% कर दिया, अब 5% कर दिया. तो ये चाह रहे हैं डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है कि आईटीसी जितना 2A में आ रहा है उतना ही रिस्ट्रिक्ट करो प्लस थोड़ा बहुत दे दो 5%. जो एलिजिबल आईटीसी है आपका 2A में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका 5% और दे दो. तो गाइज ये वन ऑफ द चेंजेस है जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है. तो थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको ये समझ में आया होगा.